हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गजानन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले टर्म और डिफरेंट क्वालिटी टर्म्स के बारे में मैं आपको मेरे चैनल में डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। आज का टॉपिक है जो कि पूरा टाइम फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। टैग टाइम क्या होता है, साइकिल टाइम, लीड टाइम, क्यू टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, मूव टाइम और थ्रूपुट टाइम क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए करते हैं शुरू। टैग टाइम, टैग टाइम मतलब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय मिल रहा है एक पार्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो है आपका टैग टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी है कि उन्हें एक दिन में 3600 पार्ट चाहिए, तो आपका टैग टाइम कितना होना चाहिए। समझ लीजिए कि आपके पास 24 घंटे हैं, मतलब एक दिन, जिसमें भी आपका 4 घंटे का डाउन टाइम आपने कंसीडर किया है, तो आपको प्रोडक्शन निकालने के लिए सिर्फ 20 घंटे यानी 72,000 सेकंड मिल रहे हैं और आपको कस्टमर की डिमांड है 3600 पार्ट्स पर डे की, तो आपको कम से कम 20 सेकंड में एक पार्ट निकालना चाहिए, तभी जाके आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और यही होता है आपका टैग टाइम कि कितना टाइम आपको मिलेगा। नेक्स्ट है साइकिल टाइम। जैसे कि टैग टाइम बताता है कि आपको कितने टाइम में पार्ट को प्रोड्यूस करना है, वैसे ही साइकिल टाइम बताता है कि उस पार्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर है। साइकिल टाइम जो होता है, उस पार्ट के ऊपर जितने भी प्रोसेस होने वाले हैं उन सभी का एडिशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट के बारे में लें, तो साइकिल टाइम क्या होता है कि उसका मोल्ड क्लोजिंग टाइम, इंजेक्शन फॉरवर्ड टाइम, रिफिलिंग टाइम, कूलिंग टाइम, मोल्ड ओपनिंग टाइम, इन सब का एडिशन बन के साइकिल टाइम होता है। अगर आपका टैग टाइम साइकिल टाइम से कम है, तो आपका कस्टमर जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगी। इसीलिए हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि आपका साइकिल टाइम टैग टाइम से कम होना चाहिए। और साइकिल टाइम हम नीचे दिए गए फार्मूले के अनुसार भी निकाल सकते हैं, जो कि है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। नेक्स्ट है लीड टाइम। कस्टमर ने ऑर्डर देने के बाद से लेकर कस्टमर तक डिलीवरी पहुंचने तक जो भी टाइम लगता है, वह है आपका लीड टाइम। टाइम टेकन बाय द ऑर्डर टू डिलीवर अप टू द एंड यूजर, आपका होता है लीड टाइम। नेक्स्ट है क्यू टाइम। सिंपली आप उसे वेटिंग टाइम भी कह सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी लाइन में खड़े हैं, या आप ट्रेन की टिकट निकाल रहे हो या मूवी की टिकट निकाल रहे हो, उसके लिए आप लाइन में खड़े हैं। तो जब से आप लाइन में खड़े हो तब से लेकर जब तक आपको टिकट नहीं मिलती, जो भी टाइम आपको लगता है उसे ही आप कह सकते हैं क्यू टाइम या वेटिंग टाइम। फॉर एग्जाम्पल, स्टेशन ए से स्टेशन बी तक एक पार्ट जाने वाला है। अगर स्टेशन ए का साइकिल टाइम बहुत कम है कंपैरेटिवली स्टेशन बी से, तो क्या होगा कि साइकिल टाइम स्टेशन ए से बहुत ज़्यादा पार्ट निकलेंगे जो कि स्टेशन बी पर अटक जाएंगे, क्योंकि स्टेशन बी का साइकिल टाइम थोड़ा ज़्यादा है। और जब तक वह लाइन में रहेंगे, जो भी टाइम उस पर वेस्ट होगा वह है आपका क्यू टाइम, उसे आप वेटिंग टाइम भी कह सकते हैं। इसके बाद है इंस्पेक्शन टाइम। इंस्पेक्शन करने के लिए जितना भी टाइम लगता है वह है आपका इंस्पेक्शन टाइम। वह आपका इनकमिंग इंस्पेक्शन होगा, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन होगा या फाइनल इंस्पेक्शन होगा, वह है आपका इंस्पेक्शन टाइम। और यह इंस्पेक्शन करना एक हर एक कंपनी के लिए नेसेसरी वेस्ट है, जिसे मैं आपको मुदा मुरा के बारे में जब बताऊँगा तब इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। और जो भी कुछ इंस्पेक्शन के मेथड है, मैंने जैसे कि बताया है कि इनकमिंग, इन प्रोसेस और फाइनल इंस्पेक्शन, इसके बारे में भी मैंने
एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद है मूव टाइम। जैसे कि नाम बताता है कि मोमेंट ऑफ मटेरियल होने के लिए जो भी टाइम हो रहा जा रहा है आपका, वह है आपका मूव टाइम। उसमें आप मटेरियल हैंडलिंग टाइम है, ट्रांसपोर्टिंग टाइम है, यह सब आ जाएगा आपका मूव टाइम में। अगर आपका मूव टाइम आप जितना कम रख सकोगे उतना कंपनी की इफिशेंसी और ओई बढ़ाने के लिए भी हेल्प करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी प्रोसेस ए ग्राउंड फ्लोर पे चालू है, प्रोसेस बी आपकी फोर्थ फ्लोर पे चालू है, प्रोसेस सी के लिए आप फिर से मटेरियल ग्राउंड फ्लोर पे लाते हो और प्रोसेस डी के लिए फिर से आप ग्राउंड फ्लोर से लेके थर्ड फ्लोर तक मटेरियल को लेके जाते हो। यह आपका अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम है जिसे आपको रिड्यूस करना है, और यही है आपका मूव टाइम। इसके बाद है थ्रूपुट टाइम। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसे कहते हैं थ्रूपुट टाइम। उसमें आपका क्यू टाइम आया, साइकिल टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, मूव टाइम, यह सब आ जाएगा आपका थ्रूपुट टाइम में। सिंपली थ्रूपुट टाइम इन सब टाइम की, क्यू टाइम, साइकिल टाइम, इंस्पेक्शन टाइम और मूव टाइम की एडिशन होता है। मैंने यह इसमें आपको बताने की कोशिश की है कि इसके ज़रिए आपको बहुत अच्छे से ये साइकिल टाइम, लीड टाइम और थ्रूपुट टाइम समझ में आए। रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तक कन्वर्ट होने के लिए जो भी टाइम लगता है वह है आपका थ्रूपुट टाइम। स्टेशन ए और स्टेशन बी अगर दो ही स्टेशन हमने कंसिडर किए हैं तो जो पार्ट आपका जा रहा है उसे जो भी टाइम लगेगा वह है आपका साइकिल टाइम। और कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करने से बाद कस्टमर तक डिलीवरी होने तक जो भी टाइम लगता है वो है लीड टाइम। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।